जीएनटी स्पेशल में आज बात आईएनएस अरिघात की हम करेंगे। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। यह अरिहंत क्लास की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस अरिघात नौसेना में शामिल आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि यह समंदर में दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा घातक साबित होगी। ये सबमरीन न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इस सबमरीन ने परमाणु युद्ध में भारत के पलटवार की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि दुनिया में गिने चुने ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत है, और हिंदुस्तान भी इन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल है। हर घात पर अब होगा प्रतिघात, तय होगी देश की विजय और दुश्मन की मात, क्योंकि सागर में उतर चुकी है आईएनएस अरिघात। अरिघात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सामर्थ्य को बल देने की गाथा में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन देश की सेनाओं को सौंपी जा चुकी है। आईएनएस अरिघात एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो दुश्मन की नजर में आए बगैर न्यूक्लियर प्रहार से उसका सर्वनाश कर सकती है। आईएनएस अरिहंत के बाद परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये दूसरी स्वदेशी सबमरीन है जिसे बंगाल की खाड़ी में तैनात किया जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को नौसेना में कमीशन किया। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को कमीशन तो नेवी में किया गया है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर ही ऑपरेट होगी। दरअसल जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं, वे सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करती हैं। आईएनएस अरिघात की अगर बात करें तो ये भारत में निर्मित दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है जिसे अरिहंत क्लास भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस क्लास की पहली आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन 2016 में बनाई जा चुकी है और इसके अलावा वो सर्विसेज में कमीशन की जा चुकी है। यानी भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में जो पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी वो थी आईएनएस अरिहंत, और उसके बाद आईएनएस अरिघात जिसे गुरुवार को ही कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में, अब भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में नई ताकत लगा रही है। आईएनएस अरिघात अरिहंत क्लास की एक विशालकाय पनडुब्बी है, लेकिन आईएनएस अरिघात अपनी ही क्लास की अरिहंत से कई मामलों में काफी ज्यादा एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है। यानी आईएनएस अरिहंत से कई गुना ताकतवर और विध्वंसक है आईएनएस अरिघात। इसकी लंबाई 111.6 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर। इसका वजन करीब 6000 टन है। ये पानी में 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। सतह पर इसकी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस अरिघात एक न्यूक्लियर
बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है। SSBN कहते हैं नेवल पार्लेंस में, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, मतलब एक सबमरीन जो जमीन पानी के नीचे रहे, न्यूक्लियर पावर के इंजन से चले, रिएक्टर से चले, और उसमें न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे हों जो 700, 800, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक अटैक कर सके एक स्ट्रेटजिक वेपन के रूप। इस न्यूक्लियर सबमरीन को नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था और इसे साल 2017 में लॉन्च किया गया। तब से इसकी ताकत को समंदर में हर कसौटी पर लंबे वक्त तक परखा गया और अब टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे नौसेना में कमीशन किया गया। नौसेना के बेड़े में शामिल होने से समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। यानी इस न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से समुद्री सीमाओं की निगरानी और आसान हो जाएगी। विशाखापट्टनम की शिप बिल्डिंग सेंटर में इसे तैयार किया गया और भारतीय नौसेना के जरूरतों के मुताबिक इसमें हथियार लगाने की क्षमताएं बनाई गई, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और तमाम ऐसे सिचुएशंस के लिए इसे तैयार किया गया जब भारतीय नौसेना युद्ध की परिस्थिति में होती है। और यही वजह थी कि इसके बनने के बाद लगातार इसके सी ट्रायल्स होते रहे और ये सी ट्रायल्स नौसेना की निगरानी में हुए, क्योंकि नौसेना जानती है कि अगर युद्ध हुआ या फिर समुद्र की सतह के नीचे कई हफ्तों तक इस सबमरीन को रहना पड़ा तो क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं। और इसी लिहाज से इन सब जरूरतों को ध्यान में रखते हुए INS अरिघात का लंबा चौड़ा ट्रायल हुआ। INS अरिघात 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली 12K-15 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा अरिघात सबमरीन 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली 4K-4 मिसाइल भी ले जा सकती है। इसमें 21 इंच की 6 टॉर्पीडो मिसाइल और टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगाए जाने हैं। बता दें कि भारत लंबे समय से 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करने पर काम कर रहा था। इसमें INS अरिहंत पहले ही नौसेना में कमीशन की जा चुकी थी। दूसरी INS अरिघात है और तीसरी सबमरीन INS अरिदमन का निर्माण जारी है। इसके निर्माण के बाद भारत के जंगी बेड़े में डीजल कन्वेंशनल सबमरीन के साथ साथ 3 न्यूक्लियर सबमरीन भी होंगी। जाहिर है भारत अपनी समुद्री सीमा के सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है, जिसे तोड़ना दुश्मन के बस की बात नहीं होगा। जैसे हम सब जानते हैं पहला जो प्रोटोटाइप होता है उसमें बेसिक हम टेस्टिंग करते हैं और वो उसको कैपेबल बनाते हैं। जब अरिहंत बना तो उससे उसकी वजन में, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी में, उसके हल के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो हमारा पावर रिएक्टर है और टाइप ऑफ वेपन्स जो कम्बिनेशंस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कितने टॉर्पीडो ट्यूब्स हों, कितनी वर्टिकल लॉन्चर मिसाइल्स हों, सागरिका मिसाइल जो एक सौरिया जो लैंड बेस्ड मिसाइल है जो बनाया गया था DRDO की तरफ से, तो सागरिका उसी का एक वर्जन बनाया गया है जो थोड़ा हल्का है और 750 किलोमीटर तक की रेंज में वो मार कर सकता है। तो ऐसे 8 मिसाइल हम लेके जा सकते हैं अरिहंत में। ये न्यूक्लियर सबमरीन भारत के परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाकर देश के सुरक्षा घेरे को और मजबूत करेगी, साथ ही क्षेत्र में सामरिक संतुलन और शांति स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। न्यूक्लियर सबमरीन का बेड़ा तैयार करके भारत अपने न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी के अंदर से न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत को और मजबूत बना रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड जो है वो तीनों सेनाओं के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है ये होती है। पूरे विश्व में कुछ कंट्री ही ऐसे हैं, चाइना, USA, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत, जो ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में इसको कहते हैं। भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, हम कोई न्यूक्लियर अटैक किसी कंट्री पे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर किसी ने अगर दुस्साहस किया, अगर सेना और वायुसेना की तरफ से हम लॉन्च ना कर पाए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई या कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई, तो एक सस्टेन्ड वेपन प्लेटफॉर्म जो सरप्राइज फ्लेक्सिबल एक कैपेबिलिटी के साथ कहीं छुपा हुआ है
समुद्र में, वो वहां से सेकंड स्ट्राइक करेगा। इस न्यूक्लियर पनडुब्बी ने निश्चित तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। अरिहंत क्लास की सभी सबमरीन की कमीशनिंग के बाद भारत को अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। देश की रक्षा के पथ पर सागर की ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भले ही INS अरिघात को नौसेना के बेड़े में अब शामिल किया गया है, लेकिन इसके निर्माण की कहानी 5 दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी, तब जबकि भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर सबमरीन रूस से लीज पर ली थी। इसके साथ ही भारत की आंखों में अपनी जमीन पर न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का सपना पलने लगा था। सालों के प्रयास और मेहनत के साथ भारत लगातार न केवल शक्ति बल्कि अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाता चला गया और आज ये सपना हकीकत बनकर सामने आ गया। वो साल था 1954 का, जब अमेरिका ने अपनी नॉटिलस सबमरीन के साथ पहली बार दुनिया को न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत और करामात का एहसास करवाया था। इसके बाद तो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में अपनी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की मानो होड़ शुरू हो गई। लेकिन भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन की अभूतपूर्व ताकत का स्वाद पहली बार चखा 1980 में। 1980 में भारत ने रूस से चार्ली 1 क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन लीज पर ली। इस सबमरीन को भारत में नाम दिया गया INS चक्र। INS चक्र ने साल 1987 से लेकर 1991 तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दी। भारत ने रशिया से अंकुला क्लास सबमरीन INS चक्र लीज की थी और इसे हमने बहुत दिनों तक ऑपरेट किया, डिफरेंट लोकेशंस में जाना और कमांड कोल्ड कंट्रोल सेंटर के साथ इसका पूरा एस्टैब्लिशमेंट की सारी चीजें हमने चक्रा से सीखी थी। सही समय पे इसको पूरी तरह से तवज्जो दिया गया और तब जाके ये अरिहंत के रूप में हमने इसको पाया। और जब पहला शिप बना है तो प्रोटोटाइप कह सकते हैं इसको आप, जो कि ऑपरेशनली फुली कैपेबल है और पूरी तरह से मुस्तैद है भारतीय नौसेना के लिए हिंद महासागर में, तो दूसरे तीसरे शिप्स अभी आगे आने वाले हैं और हम दूर तक जाने वाले हैं। ये भारत में न्यूक्लियर पनडुब्बियों के युग का आगाज था। रूस से आई इस सबमरीन के बाद ही भारत में न्यूक्लियर सबमरीन के निर्माण के विचार ने जन्म लिया। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन परंपरागत सबमरीन की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये लंबे समय तक गहरे पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती हैं। पहली है SSN यानी शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, इन्हें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कहा जाता है, जबकि दूसरी है SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। SSBN को न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन कहा गया है। SSBN यानी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी करती है। ये न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए होती है और इनका रोजमर्रा के ऑपरेशनल में इस्तेमाल नहीं होता, जबकि SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है। ये किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह होती है, लेकिन इसे ऊर्जा न्यूक्लियर ईंधन से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई होती है। सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, सब सरफेस तो सेम है SSN के साथ, न्यूक्लियर पावर उसमें इंजन भी लगा है। इसके साथ साथ इसमें वेपन्स जो हैं, उन दोनों शिप्स में इस सबमरीन में कन्वेंशनल वेपन होती है, टॉर्पेडोज होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, पर ये SSBN में बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, सब सरफेस लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं। और SLBM कैपेबल सबमरीन न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ चलती हैं और इनको हम SSBN। इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक भी SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, लेकिन भारत SSBN के निर्माण के लिए काफी पहले कदम आगे बढ़ा चुका है। भारत में न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण करने के इरादे से 1980 में ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। सेंसिटिव भारत का एक पुराना प्रोजेक्ट है जो 20-25 सालों से लगातार इसको फंडिंग की जा रही है। DRDO प्राइवेट सेक्टर के लोग इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की बात शुरू हुई। सबने मिलकर देश के प्रति समर्पित होकर एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट जो ATV का प्रोजेक्ट है उस पर काम किया है। 20-25 सालों की जो एक लगातार मेहनत है वो अब रंग लाई है और हमने INS अरिहंत
देश को समर्पित किया है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एटीवी का पहला प्रोजेक्ट था अरिहंत। अरिहंत को 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पानी में लॉन्च किया, जिसके बाद सी ट्रायल हुआ और उसके बाद अरिहंत को बगैर शोरगुल के अगस्त 2016 में कमीशन कर दिया गया। देश की ताकत को और बढ़ाने के लिए जिस न्यूक्लियर सबमरीन को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को सौंपा गया है, वास्तव में भारत के महत्वाकांक्षी एटीवी प्रोजेक्ट का दूसरा सिपहसालार है, जो 750 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकने वाली K-15 न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसे यूं समझिए कि भारत बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके से अगर इस मिसाइल को दागता है तो चीन के योन्नान प्रांत और तिब्बत को तबाह कर सकता है। पिछले दशकों में चीन ने परमाणु हथियारों का विशाल जखीरा बना लिया है। चीन की कोशिश है कि परमाणु शक्ति के मामले में उसका सामर्थ्य इतना ज्यादा हो जाए कि जरूरत पड़ने पर भारत से लेकर अमेरिका तक को टक्कर दी जा सके। इसी सोच के साथ चीन अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों का पूरा जखीरा भी बना चुका है। ऐसे समय में न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात के आने से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में काफी इजाफा हुआ। अब भारत न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को टक्कर दे सकेगा, बल्कि दुनिया में न्यूक्लियर सबमरीन पावर वाले देशों के बीच भारत की धाक भी बढ़ेगी। भारत ने अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले दो सब सरफेस न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सबमरीन हो, उनमें कन्वेंशनल वेपन्स होंगे लेकिन सबमरीन की रिएक्टर जो होगी वो न्यूक्लियर होगी। वैसे दो सबमरीन के लिए हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया है कुछ दिनों पहले, तो वो हम दो सबमरीन बना रहे हैं और ये चार जो सबमरीन हम बनाने वाले हैं और उसमें भी और प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसको हम आगे बढ़ाने जाने वाले हैं, तो SSBN भी हमारी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत उस 5-6 देशों में एलीट क्लब में शामिल है। न्यूक्लियर सबमरीन के आने से अब हिंदुस्तान जल, थल और नभ हर मोर्चे पर दुश्मन के परमाणु हमले से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना के बाद अब बात वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के दूसरे फेज की। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के लिए दुनिया के 8 देशों के फाइटर जेट्स जुट चुके हैं। 14 सितंबर तक ये ताकतवर फाइटर जेट्स राजस्थान से लेकर कश्मीर तक आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़, हवाई योद्धाओं के शौर्य का प्रमाण, अनंत आकाश में पराक्रम की गूंज। आज होगा वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के फेज 2 का आगाज। हिंदुस्तान की सरजमीं पर जब दुनिया भर के ताकतवर हवाई योद्धा एक साथ जुटे तो पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं पर टिक गईं। राजस्थान के जोधपुर का आसमान इन हवाई लड़ाकों की जावाजी की गवाही देने को तैयार है। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के फेज 2 की शुरुआत होने जा रही है। इस मेगा युद्धाभ्यास का पहला फेज 14 अगस्त को संपन्न हो चुका है। इस फेज 2 के लिए कई देशों के फाइटर जेट्स जोधपुर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना को इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबानी का गौरव हासिल हुआ है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में कुल 80 फाइटर जेट्स आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 40 विमान भारतीय वायुसेना के होंगे और 40 विमान दूसरे देशों के। जोधपुर में 14 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, UAE, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना के जवान आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे।
शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।